यह है अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार संख्या में लोग आए हुए हैं जो कि बाउंड्री। हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम शिवाकांत प्रजापति और आप देख रहे हैं शिवाकांत ब्लॉग। तो सो गाइस, अभी मैं आया हूँ इलाहाबाद ज़िले के मेजा तहसील के कुंवरपट्टी गांव में, जो कि मेजा रोड से 15-20 किलोमीटर पड़ता है। गाइस यहां पे आने वाले हैं बागेश्वर धाम, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस समय सोशल मीडिया में। और मैं आया हूँ और मेरे साथ आए हैं अनुज, जो कि क्लाइमेक्स ब्लॉग करके है, इनका यूट्यूब चैनल है, ये भी ब्लॉगर हैं, आप इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और हम लोग जा रहे हैं अब वहाँ पे, आपको दिखाएंगे वहाँ का क्या कैसा व्यू रहता है। आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। गाइस देख सकते हैं यहाँ से एंट्री गेट है, हम लोग जा रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे बागेश्वर धाम का दरबार क्या कैसा रहता है यहाँ का व्यू। देख सकते हैं पार्किंग एरिया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, जो कि भोजपुरी के कलाकार भी यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव। और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे कम जगह में आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं इधर, आप देख सकते हैं इधर, यहाँ पे लगातार यूपी पुलिस के जवान भी बने हैं जो कि व्यवस्था को देख रहे हैं ताकि ख़राब ना हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, जो कि आप देख सकते हैं इतने कम जगह में मनाया गया है, आयोजन कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे यूपी पुलिस के जवान भी हैं काफ़ी, देख सकते हैं भोजपुरी के स्टार जो कि मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव यहाँ पे आयोजन करा रहे हैं। गाइस आप और गाइस आप इधर देख सकते हैं जो कि, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे जो कि स्टेज लगाया गया है। अभी काफ़ी दूर हैं हम और जा रहे हैं वहाँ, आपको वहाँ का कुछ व्यू दिखाएंगे। आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालु गण यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि बागेश्वर धाम बाबा के, और हम लोग अभी जाएंगे जो कि धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं अभी। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, जो कि बागेश्वर धाम अभी आ चुके हैं स्टेज पे, हम लोग जा रहे हैं उस साइड से आपको दिखाएंगे वहाँ का क्या कैसा नज़ारा रहता है। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कैमरे में। हेलो गाइस आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम का साइन यहाँ, बागेश्वर धाम जो कि अभी हम लोग यहीं बाउंड्री पे खड़े हुए हैं और उनका वीडियो ले, आप देख सकते हैं गाइस वो आ चुके हैं। और इधर का पीछे नज़ारा, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं जो कि बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकते पाए। आप देख सकते हैं गेट बंद कर दिया गया है और उस छत पे और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। और आपको इधर का नज़ारा दिखाते हैं, आप देख सकते हैं इस साइड नीचे कितने लोग हैं, आप देख सकते हैं गाइस इधर का नज़ारा ये है। और इस साइड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, और इस साइड आपको दिखा रहे हैं इतनी ज़्यादा लोग हैं, आप देख सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि बागेश्वर धाम के काफ़ी ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। गाइस आप इनका देख सकते हैं, इनका दर्शन हो गया हम लोगों को। गाइस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और धूप भी काफ़ी तेज है। और आपको कुछ इधर का नज़ारा दिखाते हैं, आप देख सकते हैं जो कि बागेश्वर धाम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में आपको दिख रहा होगा बैठे हुए हैं और हम लोग यहीं वीडियो शूट कर रहे हैं। आपको अभी कुछ पास से जाकर दिखाएंगे क्या कैसा नज़ारा रहता है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है यार, इतना कष्ट उठा के सुबह से आए हैं, खाना नहीं खाए हैं। गाइस आप लोगों को यही एक अद्भुत का विषय, हम एक बार बोलेंगे अपना नाम अपनी समस्या और अपनी परेशानी किसी को भी ना बताओ। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खीरी का लड़का गया है, आप देख सकते हैं अपने प्रयागराज खीरी का है, उसकी अर्जी लगी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
गाइस आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कैमरे में, आप इधर का कुछ नज़ारा देख सकते हैं कैमरे में, काफ़ी पीछे पीछे का दादा यहाँ से दर्शन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कैमरे में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग इधर हैं और आप देख सकते हैं बाउंड्री के बाहर बहुत सारे लोग हैं। आप देख सकते हैं इस साइडर जो कि कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग इस बाउंड्री पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं दुर्घटना का कारण बन सकता है क्योंकि अभी उसमें अनाउंस कर रहे थे कि ये 4-5 दिन हुआ था बाउंड्री जोड़े हुए, इसके अंदर कार्यक्रम हो रहा है और आप इधर का कुछ नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि सब इस साइड खड़े हैं, अंदर नहीं जा पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो गई है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।